वेलकम टू सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट होम। डियर स्टूडेंट, एज यू ऑल नो दैट योर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10 जून इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट, डू प्रैक्टिस योर होल सिलेबस प्रॉपरली, स्पेशली डू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन you have done mistakes in revision work. Class 4, in last two session we had done the revision of the question in which you had made mistake, and this session we will revise some more question in which you are facing problem. So student, watch the video carefully and do practice all the question which I revised you, as well as do practice all the question related exercises. Student, in this session we revise exercise number 4, question number 3, and revise some question of exercise number 29. Yes class, so start the revision now. Now start exercise number 4, question number 3. बेटा, इस एक्सरसाइज का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन इन रिवीजन वर्क। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने रिवीजन वर्क में नंबर नेम में मिस्टेक की है, देयरफॉर आई विल रिवाइज दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इस वीडियो को आप और से देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम्स में इस क्वेश्चन में मिस्टेक ना करें। इसके कोई इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करा रही हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा तमाम पार्ट आप इसके सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट नंबर ए है इसका, क्वेश्चन है बेटा राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर ए नेम राइट करने, ए पार्ट है 4792। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, जो भी नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू राइट करते हैं। प्लेस वैल्यू आपको पता है हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड से फर्स्ट नंबर वंस होता है, फिर टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ये मैंने प्लेस वैल्यू राइट की, और कॉमा किसके बाद आता है, थाउजेंड के बाद आता है, तो मैंने थाउजेंड के बाद कॉमा लगा दिया। अब इसका नंबर नेम राइट करें कि बेटा फोर क्या है, इसमें थाउजेंड है, तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। नंबर नेम हमेशा वर्ड्स में होते हैं बेटा, नंबर्स में राइट नहीं करेंगे फोर को, तो हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। फोर थाउजेंड हो गया, सेवन क्या है, सेवन हंड्रेड, एंड 92, तो क्या हो गया 4792 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब पार्ट सी इज 16509, पार्ट सी है इसका 16509। अगेन मैंने इसकी प्लेस वैल्यू राइट की, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद 10,000 आता है, तो वन क्या होगा इसमें, 10,000 होगा। जब 10,000 आ जाता है, थाउजेंड के बाद मैंने कॉमा लगाया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हो गया 16,000 है। अगेन हम इसको वर्ड्स में राइट करेंगे बेटा, नंबर्स में नहीं लिखेंगे, नंबर नेम हमेशा वर्ड्स में होता है। तो 16,500 है, तो 500 राइट किया बेटा मैंने। एंड यहाँ पे टेंस ज़ीरो है, तो टेंस राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नाइन आ जाएगा। जो भी प्लेस वैल्यू ज़ीरो होती है वो राइट नहीं की जाती नंबर नेम में, उसके बाद वाली वैल्यू आ जाती है। तो इसका आंसर होगा 16,509। ओके क्लास, नाउ कम टू पार्ट जी 29009। तो सोल्यूशन है बेटा, मैंने इसकी प्लेस वैल्यू राइट की, अगेन जीरो, सॉरी वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या आता है बेटा, लैक आता है, तो यहाँ पे लैक राइट कर दिया। अब कॉमा कैसे लगता है बेटा, लैक के बाद लगता है और थाउजेंड के बाद कॉमा लगता है, तो मैंने यहाँ पे लैक के बाद कॉमा लगाया और थाउजेंड के बाद, तो टू क्या हो गया बेटा, इसमें टू लैक्स है, 90,000 हो गया, 100 और 10 ज़ीरो है, तो राइट नहीं करेंगे, 2,90,000 एंड डायरेक्ट 9 राइट कर देंगे। ओके बेटा, जिन प्लेस वैल्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, नंबर ज़ीरो होता है जिनका, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको राइट नहीं करते, तो मैंने इसलिए 2,90,000 एंड राइट किया, एंड 9 राइट किया बेटा, तो इट इज़ द नंबर नेम। जैसे मैंने पहले बताया, पहले सबसे पहले नंबर्स नेम राइट करने के लिए आप प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद आप वर्ड्स में नंबर नेम राइट करेंगे। ओके क्लास, क्लास फोर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, सी और जी मैंने इस
सेशन में आपको रिवाइज कराया है। आपको इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और आपको उसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है तमाम एक्सरसाइज की बेटा, ताकि आप पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 8 रिवीजन। द टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पेज नंबर 73। बेटा, मैं ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड मिस्टेक इन रिवीजन वर्क इन द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्रॉब्लम्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी क्वेश्चन थे, ज़्यादा स्टूडेंट ने उनमें मिस्टेक की है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप इनकी इस टॉपिक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। तो बेटा, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बेटा, क्या होता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन? इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। नाउ वी शैल सॉल्व सम प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स दीज ऑपरेशन। अगर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें ये ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। बिफोर टेकिंग एक्चुअल प्रॉब्लम लेट अस स्टडी द फॉलोइंग। नंबर 1, बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग वी शार्पन अवर पेंसिल। जब भी आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो बेटा एक जनरल एग्जांपल है इसमें कि जब भी हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम पेंसिल शार्प करते हैं। ओके बेटा, नंबर 2 है बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग वी ओपन अवर बुक्स। जब भी हम बुक्स रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें बुक्स ओपन करनी होती है। नंबर 3 क्या है बेटा इसकी एग्जांपल, आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग वी गो टू द टॉयलेट, ब्रश अवर टीथ, टेक अ बाथ एंड ईट अवर ब्रेकफास्ट। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम टॉयलेट जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं और फिर अपने टीथ क्या कहते हैं ब्रश करते हैं और फिर बाथ लेते हैं और फिर इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये जनरल एग्जांपल हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम इसको फॉलो करते हैं। कैन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड गेट द सेम रिजल्ट इन अबव स्टेटमेंट? अगर हम ये ऑर्डर चेंज कर दें, अगर लेट सपोज पहले हम रीड करें और बाद में बुक कर लें, ये हो सकता है? कोई भी ऑर्डर हम इसमें से चेंज नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा नो। सिमिलरली इन मैथ्स मैथमेटिक्स, व्हेन ऑल द फंडामेंटल ऑपरेशन आर गिवन इन अ सम द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज एज फॉलोज। इसी तरह मैथ में अगर चारों ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया गया हो तो हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? फर्स्ट वी डू द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन एंड लास्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेटा अगर हमें किसी भी सम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिया हो तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आपने ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में जब भी कोई क्वेश्चन होगा बेटा, सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। ओके क्लास स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 29। दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड द टॉपिक ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। बेटा इसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को आपको फॉलो करना है और उसी की मदद से आपको इन तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मैं इस वीडियो में आपको, इस सेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 और 10 सॉल्व करा रही हूँ। इन क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है बेटा, लेकिन इसके अलावा इस एक्सरसाइज में दी हुए तमाम क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन। द पार्ट्स 3 इज 30983-17803-26351+31370। तो बेटा इसमें
ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन गिवन है, इसमें हमें इस सम में हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम फोर फंडामेंटल को ऑपरेशन को फॉलो करते हुए एडिशन करेंगे। तो ऐड क्या हो रहा है बेटा इसमें 30983 और 31370 ये ऐड हो रहा है। तो हम इसको पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज़ राइट किया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे साथ राइट कर दिया। इसके बाद माइनस के बाद ये वैल्यू राइट की और फिर माइनस के बाद इसके बाद वाली वैल्यू राइट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा एडिशन का प्रोसेस करेंगे। एडिशन में हम 30983 प्लस 31370 इस वाले पार्ट को सॉल्व करा मैंने। यहाँ पे देखिए रफ कॉलम में मैंने 30983 में 31370 ऐड किया, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, 15 का 5 1 यहाँ पे कैरी गया। 9 और 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 1 यहाँ पे कैरी गया। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 3, 3 प्लस इज इक्वल टू 6, तो क्या आंसर आया 62353। अब हम मैंने इस पार्ट की जगह जो सॉल्व सॉल्यूशन हुआ था इसको सॉल्व किया था वो राइट किया। माइनस का माइनस आया 17803 माइनस 26351। ओके बेटा अब इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो 6 यहाँ पे मैंने रफ कॉलम में 62353 में से माइनस किया 17803। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ पे हमने बोरो किया 13 हो गया, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यहाँ 1 रह गया, 1 में से यहाँ 1 बोरो, 6 में से यहाँ 1 बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 5 रह गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो आंसर आया हमारे पास 44550। तो इस पार्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा सॉल्व करने के बाद 44550। अब माइनस करना है इसमें से 2635। अब यहाँ पे मैंने माइनस किया इसमें से 2635, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 1 यहाँ पे हमने बोरो करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ 1 बोरो किया तो बेटा क्या आंसर आया 14 हो गया, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ 3 रह गया, 3 में से सॉरी यहाँ पे 14 है, 4 में 6 माइनस नहीं होता तो 1 बोरो करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो आंसर आया 18199 इज द आंसर। ओके बेटा देखिए मैंने किस तरह प्रॉपर वे में ऑपरेशन को फोर फंडामेंटल ऑपरेशन को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अगर आप पहले इसमें एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन कर देते तो आपका आंसर रॉन्ग होता, आपको इसमें पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करना है एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। द पार्ट 7 इज 125 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 7 प्लस 609। इस सम में मल्टीप्लाई भी है डिवीजन भी है एंड एडिशन भी है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। डिवीजन करेंगे 7 को डिवाइड करेंगे सॉरी 42 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 के टेन में 42 आता है 6, तो यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। बाकी 125 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 609 राइट किया हमने। अब 6 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो हमने 6 को क्या किया 125 से यहाँ पे रफ कॉलम में मल्टीप्लाई किया बेटा। 6 5 ज़ा 30, 0 यहाँ आया, 3 यहाँ पे कैरी चला गया। 6 2 ज़ा 12, 3 ऐड किया तो 15 हो गया, 5 यहाँ 1 कैरी गया, 6 1 ज़ा 6 1 ऐड किया 7, तो इसका आंसर आया बेटा 750 हमने यहाँ पे राइट किया। अब इसमें क्या प्लस करना है 609 इसमें ऐड करना है, तो रफ कॉलम में मैंने ये ऐड किया। 0 में 9 प्लस करेंगे तो 9, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, तो क्या आंसर आया 1359 इज द आंसर बेटा। आपने ये देखा बेटा हमने इसको 1 by 1 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन सॉल्व किया तो आंसर आया 1359। अगर हम इसमें कोई भी स्टेप आगे पीछे करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 12629 प्लस 432 डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया बेटा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 432 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ मैंने डिवाइड किया 432 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने 3 राइट किया,
13 हो गया, 3 4 12, 13 - 12 इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे 2 राइट करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 12, 12 - 12 रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमें क्या आंसर आया बेटा, क्वेश्चन क्या आया, 144। तो यहाँ पे जब हम 432 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 144। तो हमने यहाँ पे 144 राइट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। अब 144 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बेटा, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, तो आंसर आएगा हमारा 288। तो मैंने यहाँ पे राइट किया 12629 प्लस 288। अब जब इसमें 12629 में 288 प्लस करेंगे बेटा, 9 + 8 इज इक्वल टू 17 का 1 कैरी गया, 2 और 8 10, और 1 प्लस करेंगे तो 11, 11 का 1 यहाँ कैरी जाएगा, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 1 इसमें ऐड करेंगे तो 9 आंसर आएगा, 2 का 2 एंड 1 का 1। तो आंसर क्या आया इसका बेटा, 12917। ओके बेटा, तो जब हमने ये सॉल्व किया तो ये आंसर आया। देखिए मैंने इसको भी, हमने पहले ग्रेजुअली हमने सॉल्व किया इसको, पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया और आखिर में हमने एडिशन किया। ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा ये डिवाइड हो रहा है, 32 डिवाइड हो रहा है 16 से। तो पहले हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, देखेंगे 32 16 के टेबल में 32 टू सा आता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया बेटा, 2 राइट किया। ठीक है, अभी हो गया 212 प्लस 728 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 119। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसके बाद आपको पता है डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 728 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 16, 6 यहाँ आया, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा बेटा, 2 2 4 और 1 5, 2 7 14, तो आंसर आया 1456। तो हमने राइट किया यहाँ पे मल्टीप्लाई की जाएगा, ये 2 1 2 2 1 2 एज इट इज़ उतारा, फिर प्लस राइट किया, अभी जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1456 राइट किया, अगेन माइनस का साइन लगाया, 119 हमने यहाँ पे राइट कर दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा सबसे पहले एडिशन करते हैं, तो 212 प्लस 1456 को यहाँ मैंने प्लस किया, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 1 का 1 राइट किया बेटा, तो आंसर आ गया इसका 1668। अब माइनस करेंगे इसमें से 119, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो किया तो 18 हो गया, 18 - 9 इज इक्वल टू 9, या 5 रह गया, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, या 6 है, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 1 का 1 राइट किया, तो आंसर आया हमारे पास 1549। बेटा इसी तरह आपको 4 फंडामेंटल रूल को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके बेटा, तो इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम है जिस एक्सरसाइज में, वर्कशीट में, रिवीजन वर्क में आपने मिस्टेक की है, उन तमाम क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज यू नो, यू ऑल नो वेरी वेल योर एनुअल एग्जाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10 जून इंशाल्लाह बेटा। तो आपको बिल्कुल सीरियस हो के तमाम काम की, कॉपी की, तमाम वर्क की, इन क्वेश्चन के अलावा तमाम काम की, तमाम वर्क की भी प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू एंजॉय योर वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।